हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपको मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने गाय को रोटी खिलाने। मैं अपने गाय को डेली जो सबसे पहले रोटी बनाती हूँ वो खिलाती हूँ। इसके पीछे बहुत सारे फायदे हैं कि गाय को रोटी क्यों खिलाना चाहिए। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए गाय को माता भी बोला जाता है। गाय को पहला रोटी खिलाने से हमारा सारा काम सफल होता है और हमारे लाइफ में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, इसीलिए सारे देवताओं को तो एक साथ पूजा करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप गायों को रोटी खिलाकर भी 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल उपाय है। मैं अब गाय को रोटी खिला ली हूँ। अब देखिए मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलूंगी। कैसे ये मेरे हाथों को चाट रही है आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग को गाय आते देखती है, बैठी हुई रहती है तो खड़ी हो जाती है। अब मैं जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ आम के पेड़ पे पक्षी को पीने के लिए पानी रखा गया है, क्योंकि गर्मी का दिन है, पक्षी को भी बहुत प्यास लगती है, इसलिए यहाँ पे पानी डाल दी हूँ ताकि कोई भी पक्षी आए और पानी पिए। अब देखिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपने गार्डन में पानी डालने, फ्लावर गार्डन में, क्योंकि अगर फ्लावर में डेली डेली पानी नहीं डाला जाए तो सारे फ्लावर सूख जाएंगे और जल्दी ही सारे खराब हो जाएंगे। इसका रूट बिल्कुल सूखा हुआ है और मैं डेली सुबह अपने फ्लावर में पानी डालती हूँ। गर्मी का दिन है, इसीलिए सुबह और शाम दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है। पानी डालने से हरियाली बनी रहती है और हरा भरा बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसलिए डेली मैं गार्डन का कोई ना कोई वर्क करती हूँ, क्योंकि मुझे करना बहुत अच्छा लगता है और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। मैं कुछ कुछ हमेशा करती ही रहती हूँ। देखिए दोस्तों, अब पानी पूरी तरह से मैं पूरे पौधे में डाल दी हूँ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि बिना सपोर्ट का यूट्यूब पे कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।